ओके सो इन द लास्ट लेक्चर अगर आपको याद है हमने पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला डिराइव किया था. तो यू रिमेम्बर नाउ इट इज 1/4πε0 क्यू बाय आर. तो पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज एट सम पॉइंट पी व्हिच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज इज गिवन बाय 1/4πε0 क्यू बाय आर. ऐसा हमारे पास फॉर्मूला आया था. अब हमको पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल डिफाइन करना है. सो एज आई टोल्ड यू लेट्स डिफाइन पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल. तो पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट्स क्वाइट सिंपल थिंग. क्योंकि v इक्वल टू 1/4πε0 q by r है, तो अगर ये r मतलब चार्ज यहाँ पे है और जिस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूँ वो इंफिनिटी पे. सो इफ आर इज इंफिनिटी यू हैव दिस इक्वेशन एज 1/4πε0 q by इंफिनिटी दैट टर्न्स आउट टू बी जीरो क्योंकि एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज जीरो. ओके तो वो जीरो हो जाएगा. सो पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल इज नथिंग बट अ पॉइंट व्हिच इज एट इंफिनिटी. ओके सो वी नो दैट Potential at a point at a distance r from charge q is given by. So V is equal to 1/4πε0 Q by R. Right? If R is infinity, then you have V is equal to 1/4πε0 Q by infinity that is equal to zero. Right? Thus, what you can say is, therefore, आप बोल सकते हो, therefore, this shows that electrostatic potential is zero at infinity. Electrostatic potential is zero at infinity. Okay. So ab if it is zero at infinity, so what you can do is therefore r is equal to infinity is defined as point of zero potential. So this is how you can define point of zero potential. Okay, all right. You have r equal to infinity as point of zero potential. So that's it. Then if you remember, हमने कल potential और electric field को भी compare किया था. So how you can compare? You have y-axis and you have x-axis over here. So you have distance r and you have potential v. आप electrostatic potential भी plot कर रहे हो and you are also plotting electric field. Electric field को मैं red color में plot करूंगा और potential को मैं black color में plot करूंगा क्योंकि आपको already पता है. What do you know is electric field varies as 1/4πε0 q by r square. Okay, so electric field is k, capital K, which is 1/4πε0 q by r square, and you have v as k q by r. Okay, so aisa aap को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड पोटेंशियल वेरीज एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. तो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप ज्यादा होता है कंपैरेटिवली. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा स्लोप है
और पोटेंशियल का कम स्लोप है, तो पोटेंशियल इज समथिंग लाइक दिस, पोटेंशियल इज समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज वी एंड दिस इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये हमने कल देखा था. ओके, सो यू कैन से figure below shows variation of electric field E is proportional to R square and electric potential V proportional to 1 by R gathered as a function of distance. So this is how you can basically plot graph of electric potential and electric field. तो ऐसा आप कर सकते हो. तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. तो बहुत सिंपल सा केस है, नॉट वेरी डिफिकल्ट. ओके, अब लेट्स गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक. ओके, तो यहां तक तो हमने कल डिस्कस किया था, इतना पार्ट हमारा लिखना बाकी था. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव एन नंबर ऑफ चार्जेस. तो मान लो हमारे पास एक चार्ज है Q1 over here, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3, Q4, Q5, Qn, n number of charges है हमारे पास. We have n number of charges. Okay, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn. And there's a point, यहाँ पे एक point है P. इस P point पे कोई भी charge नहीं है. It is just a point. There is no charge sitting at P. P पे कोई charge नहीं है. And you want to find out what is टोटल पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी. तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए पहले हमको डिस्टेंसेस डिफाइन करने पड़ेंगे. तो लेट अस से डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम Q1 इज R1, फ्रॉम Q2 इज R2, फ्रॉम Q3 इज R3, फ्रॉम Qn इज Rn. तो ऐसा है. सो यू हैव R1 डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस, R3 डिस्टेंस एंड Rn डिस्टेंस, सो ऑन सो फोर्थ. आपको P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है. तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि किसी भी एक पॉइंट पे, P पॉइंट पे किसी भी एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है. सो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 इज V1 equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R1. Similarly, उसी point P पे Q2 की वजह से potential कितना होता है? V2 equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q2 by R2. Similarly, nth charge की वजह से उस P point पे potential कितना होता है? Vn 1 upon 4 pi epsilon 0 Qn by Rn, right? So what is total potential basically? So हम लोग total potential कैसे निकालेंगे? So total potential V is V1 plus V2 plus V3 plus Vn. जितने charges होंगे उतने charges. So total potential will be 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 by R1 plus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q2 by R2. So you will be having this. Q2 by R2 plus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q3 by R3 and so on, and you can write down 1 upon 4 pi epsilon 0 Qn by Rn. Okay, so you can take out 1 by 4 pi epsilon 0 common, so Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 and so on. तो अभी अगर मेरे पास 1000 charges है, तो क्या मैं ऐसे लिखता रहूंगा Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 plus Q4 by R4. We cannot write down all the terms. तो हम Einstein summation convention use करते हैं.
मतलब हम क्या करते हैं, वी पुट दिस सिंबल जिसको समेशन सिंबल बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं क्यू आई अपॉन आर आई, आई रन्स फ्रॉम वन टू एन। इसका मतलब ये होता है कि पहले मैं आई की वैल्यू वन डालूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्यू वन बाय आर वन, फिर मैं दूसरी आई की रूट टू डालूंगा क्यू टू बाय आर टू, फिर क्यू थ्री बाय आर थ्री, फिर क्यू फोर बाय आर फोर, और फिर सबको ऐड करूंगा। तो इसके लिए इसको बोलते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। सो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड ऑफ राइटिंग डाउन पोटेंशियल। ओके, तो इजी है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इजी आइडिया है। द आइडिया इज हमारे पास एन नंबर ऑफ चार्जेस है, डिस्क्रीट चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस है मतलब, और हमको एक गिवन पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बोला हमको डेफिनेशन पता है पोटेंशियल का, 1/4πε0 क्यू बाय आर। तो पहले चार्ज का पोटेंशियल उस पॉइंट पे होगा 1/4πε0 क्यू वन बाय आर वन, मतलब ये। दूसरे चार्ज की वजह से सेम पॉइंट पी पे पोटेंशियल हो गया 1/4πε0 क्यू टू बाय आर टू, एंड सिमिलरली फॉर थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, फिफ्थ चार्ज, सिक्स चार्ज। तो ऐसा हर एक चार्ज का पोटेंशियल हमको मिल सकता है। एंड देन व्हाट वी कैन डू इज, तो हम सारे के सारे पोटेंशियल्स को ऐड करते जाएंगे, राइट, वी विल गो ऑन एडिंग ऑल द पोटेंशियल्स। ओके, फिर हम लोग 1/4πε0 कॉमन निकालेंगे, एंड देन वी विल हैव इनसाइड ब्रैकेट q1/r1 q2/r2 q3/r3 प्लस जितने भी चार्जेस होंगे उतने, तो हम लोग उसको समेशन कन्वेंशन से रिप्लेस कर देंगे। सो दैट इज द आइडिया हियर। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था, इट इज नॉट बिग डील, सिर्फ आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है तो इंडिविजुअल चार्जेस का पोटेंशियल को ऐड कर लो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। All right, so what you can do here is बहुत simple है, consider a system of charges q1, q2, q3, so on up to q1, qn at distance R1, R2, R3 up to Rn respectively, from a point P. तो हमारे पास ये चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Qn जिसका डिस्टेंस R1, R2, R3, Rn है, एक given point P से इसका डिस्टेंस है। ओके, तो हमको पता है, therefore what we know is we know that the potential at point P due to individual charges इंडिविजुअल मतलब हर एक चार्ज की वजह से सेपरेटली कितना है पोटेंशियल, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस इज V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1/r1। तो हर एक चार्ज की वजह से ऐसा ही आएगा, तो लेट मी जस्ट write it like this. तो पहले चार्ज का पोटेंशियल पॉइंट पी पे होगा 1/4πε0 Q1/r1, दूसरे का होगा 1/4πε0 Q2/r2, तीसरे का Q3/r3, सिमिलरली nth का Qn/rn. सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू इंडिविजुअल, हर एक चार्ज का इंडिविजुअल, राइट। नाउ what is total potential? So total potential is given by principle of superposition. आपने superposition principle बहुत बार सीखा है, 11 में भी सीखा है, 12 में electrostatics में मैंने बताया है। So by
the principle of superposition, by the principle of superposition, the potential, the total potential V, the total potential V at point P due to system of charges, is the algebraic sum, of the potential, due to individual charges. Therefore, V is equal to V1 plus V2 plus V3 and so on so forth. Vn, और ये तो आपको पता ही है. You know this. This is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R1 plus. So you already know this. Okay. So ये आएगा. सेकेंड का Q2 by R2 plus थर्ड का Q3 by R3 plus so on so forth nth का Qn by Rn. Therefore total potential V will be 1 by 4 pi epsilon 0 common Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus 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 Qn by Rn. तो ये आ गया आपका total potential. Okay, aisa hai. So now you can replace the term in the bracket by Einstein summation convention. To usko sirf aap summation ke term mein likh do and that's it. So you can write down this as 1 by 4 pi epsilon 0 summation over I runs from 1 to n q I r I. So let's say equation number 1, where obviously you should know summation I runs from 1 to n qi by ri equal to q1 by r1 plus q2 by r2 and so on so forth plus qn by rn. This is total potential. Okay, so what simple sa task hai. Okay, bahut simple hai. So this is how you can give potential at a point due to a system of charges. Potential at a point. और जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ वहां पे चार्ज नहीं है. चार्ज उस पॉइंट को छोड़ के बाकी सब जगह पे हो सकता है, उस पॉइंट पे नहीं हो सकता. तो वी आर फाइंडिंग आउट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्जेस. गुड गुड. सो नाउ वी विल गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक. देखो हाउ थिंग्स आर चेंजिंग. हमने पहले एक सिंगल चार्ज की वजह से एक गिवन पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड किया है ना, 1 by 4 pi epsilon 0 q by r. फिर हमने बोला कि अगर हमारे पास n चार्जेस है तो उस n चार्जेस की वजह से व्हाट इज द पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट, हमने वो फाइंड किया. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इफ वी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो देखते हैं आप. सो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब जिन लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है ये पता नहीं, तो उनके लिए पहले मैं बता देता हूं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव लर्नड इफ यू हैव टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं 2L, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस.
इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, तो टोटल डिस्टेंस 2L हो गया। तो जब आपके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों प्लस या दोनों माइनस इज नॉट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज व्हेन यू हैव वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। अगर प्लस 10 कूलम है तो माइनस 10 कूलम होना चाहिए, प्लस 20 कूलम है तो माइनस 20 कूलम होना चाहिए। सो इफ यू हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, देन दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव आल्सो लर्नड अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ बोथ द चार्जेस। सो इफ यू हैव अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस, सो इफ आई हैव अ लाइन समथिंग लाइक दिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ डायपोल। ओके, एंड इफ यू हैव अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डायपोल, अगर आपके पास ऐसी लाइन है जो एक्सिस को परपेंडिकुलर है और डायपोल के सेंटर से पास हो रहा है, उसको आप बोलते हो इक्वेटर, इक्वेटर ऑफ डायपोल। ये इंपॉर्टेंट है, दिस टर्मिनोलॉजीज आर इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। व्हाट इज डायपोल? प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक डायपोल। एक लाइन जो दोनों चार्जेस से पास होती है एक्सिस, एक लाइन जो एक्सिस को परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है इक्वेटर। एंड यू हैव डिफाइंड इन 11th स्टैंडर्ड समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो आपने एक क्वांटिटी डिफाइन किया था P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये मोमेंटम नहीं है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। तो आपने एक क्वांटिटी डिफाइन किया था जिसको आप बोलते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, पॉजिटिव Q और नेगेटिव Q दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, टोटल चार्ज लेना नहीं, तो Q मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बाय डेफिनेशन इज Q इनटू 2L, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ क्वांटिटी, इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये पता होना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बी टू ए, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है तो। ओके राइट, तो लेट अस स्टार्ट डिराइविंग। मैं पहले डिराइव कर दूंगा एंड बाद में हम लिखने का काम करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स ज्यादा लगने वाला है, तो यू हैव टू फॉलो ईच स्टेप, और मैं थोड़ा स्लोली भी लूंगा। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ हमारे पास क्या था, हमारे पास टू बिगिन विथ वी हैव टू चार्जेस, वी हैव टू चार्जेस। ओके, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, I am going to draw a line over here. मैं पहले ही axis दिखा देता हूँ। This is axis of dipole. And now I am going to put two charges over here. एक charge यहाँ पे आ गया plus Q, एक charge यहाँ पे आ गया minus Q. So you have a charge at point A which is plus Q and a charge at point B which is minus Q. ये हो गया आपका डाइपोल, ये है एक्सिस ऑफ डाइपोल। देन यू हैव सेंटर ऑफ डाइपोल समवेयर ओवर हियर, ओ, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, राइट। मैं इक्वेटर भी दिखा देता हूँ डाइपोल का, सो लेट मी शो इक्वेटर ऑफ डाइपोल एज वेल। सो यू हैव दिस एज इक्वेटर ऑफ डाइपोल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर, दिस इज इक्वेटर ऑफ डाइपोल। तो ये डायपोल का इक्वेटर है सिस्टम में।
दिस इज इक्वेटर। अब हमारे पास हमको क्या करना है, हमको पोटेंशियली फाइंड करना है। अब हमारे पास एक पॉइंट है समवेयर, देयर इज अ पॉइंट, मैं मान लेता हूं कि वो पॉइंट यहां पे कहीं पे है। सो लेट मी टेक अ पॉइंट सी समवेयर ओवर हियर। यहाँ पे एक पॉइंट है मेरे पास सी जहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी। इस पॉइंट सी का पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस है आर वन, ओके, और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस है आर टू। तो मैं पहले डिस्टेंसेस डिफाइन कर देता हूं, आर वन आर टू, और इस पर्टिकुलर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है, मतलब ओ पॉइंट से डिस्टेंस है आर। तो दिस डिस्टेंस इज लेट अस से आर, ओके, ये आर डिस्टेंस है। अब मैं इस लाइन को थोड़ा इंटेंशनली एक्सटेंड कर रहा हूँ, सो आई एम एक्सटेंडिंग दिस लाइन इंटेंशनली। तो मैं इंटेंशनली एक्सटेंड कर रहा हूँ इस लाइन को। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट आर डिस्टेंस जो है इट इज नॉट, इट इज जस्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ टू सी। इसको एक्सटेंड क्यों कर रहा हूँ बाद में समझेगा आपको, फॉर द टाइमिंग यू जस्ट नीड टू रिमेंबर। एंड ये जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस डिस्टेंस इज आर, ओ पॉइंट से सी पॉइंट तक का डिस्टेंस आर है। देयर इज सम रीजन बिहाइंड डूइंग दिस, लाइन को एक्सटेंड क्यों किया बाद में समझेगा आपको। नाउ लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या था, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये है आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पी बार, राइट। सो द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ डायपोल ओ टू द पॉइंट सी, ये जो लाइन है ये सेंटर ऑफ डायपोल और सी पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको फाइंड करना है उसको ज्वाइन कर रहा है। So the angle between electric dipole and the line joining center of dipole to the point where you are supposed to find out potential is theta. So angle theta क्या है वो बताना चाहिए। Then obviously अगर ये angle theta है तो ये बचा हुआ angle 180 minus theta होगा, मतलब pi minus theta होगा basically, right? So this is 180 minus theta, right? तो कम से कम आपको पहले इतना बेसिक्स पता होना चाहिए, यू नीड टू नो दिस मच ऑफ बेसिक्स। अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम पहले चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से, ये जो लाइन है दिस लाइन, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्यों करेंगे वो सब धीरे धीरे समझेगा, बट आप सिर्फ ये समझ लो कि क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दैट वी विल लर्न लेटर। सो वी आर ड्रॉइंग अ लाइन अ परपेंडिकुलर, बेसिकली वी आर ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बोथ चार्जेस ऑन टू दिस लाइन ओवर हियर, यहां से भी और यहां से भी, इसलिए मैंने लाइन को एक्सटेंड किया था। सो दैट वॉज द रीजन बिहाइंड एक्सटेंडिंग द लाइन्स, ओके। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्यों किया, इन अ वाइल यू विल अंडरस्टैंड, ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड इन अ वाइल। तो नाउ परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा होगा तो इट्स ओके बिकॉज इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम। सो या क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है, राइट, तो ऑब्वियसली यू नो हाइपोटेन्यूस इज दिस। तो व्हाट आई एम सेइंग इज ये एंगल अगर 90 डिग्री आ गया आपका, मतलब ये एंगल 90 डिग्री आ गया, तो एल हाइपोटेन्यूस हो गया, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को फिलहाल एक्स मान लेता हूं, तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एक्स इक्वल टू एल साइन थीटा। तो ये जो साइड मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस विल बी एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, ओके, गुड। तो कम से कम पहले इतना आपको समझना है, फिर मैं आगे जा सकता हूं। तो सो फार व्हाट वी हैव डन इज, मैं स्क्रैच से बता रहा हूं क्योंकि एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पे,
तो हमने स्टार्ट कैसे किया? वी हैव टेकन एक्सिस ऑफ डाइपोल. इस एक्सिस ऑफ डाइपोल पे हमारे पास दो चार्जेस है. वन चार्ज इज समवेयर ओवर हियर, सिटिंग ओवर हियर. ओके, दूसरा चार्ज यहाँ पे कहीं पे है. थोड़ा मैं डायग्राम बढ़ा कर ले रहा हूँ. तो दूसरा चार्ज यहाँ पे है, पहला चार्ज यहाँ पे. तो पॉजिटिव चार्ज इज एट ए एंड नेगेटिव चार्ज इज एट पॉइंट बी, करेक्ट. समवेयर ओवर हियर यू हैव पॉइंट ओ सेंटर ऑफ डाइपोल. दिस इज एल, दिस इज एल. देन यू हैव दिस एज this line as equator of dipole. ये equator of dipole है और ये line axis of dipole है. हमारे पास एक point C है somewhere over here. So I'll take that point C somewhere over here. जहां पे हमको potential find करना है due to dipole. तो इस C point का distance पॉजिटिव चार्ज से R1 है और नेगेटिव चार्ज से R2 है. सो दिस इज R1, दिस इज R2. नाउ हम C से O तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. डिस्टेंस R है तो C2 इज R. मैं इंटेंशनली इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं, इंटेंशनली एक्सटेंड कर रहा हूं. इट इज ऑन इंटेंशन. एक्सटेंड कर दिया, राइट. तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट ओ वॉज आर. यहां जो एक एंगल बना है, इस एंगल को मैं थीटा डिफाइन कर देता हूं. तो ये जो एंगल होगा ये 180 माइनस थीटा आ जाएगा, राइट. अब आप क्या करोगे, आप दोनों चार्जेस से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. यहां से भी और यहां से भी परपेंडिकुलर दिखना चाहिए. यस, सो इट लुक्स लाइक परपेंडिकुलर नाउ. तो ऐसा कर दिया आपने. फिर इससे क्या हो गया कि ये एंगल बन गया 90 डिग्रीज, ये एंगल बन गया 90 डिग्रीज, राइट. तो ये साइड हाइपोटेन्यूस, ये साइड हाइपोटेन्यूस. तो अगर मैं इसको एक्स बोल रहा हूं, टेम्पररीली एक्स बोल रहा हूं, मैं बाद में हटा दूंगा. तो साइन थीटा क्या होता है? थीटा कौन सा एंगल है? थीटा में कंफ्यूज मत होना. थीटा एंगल यहां पे था, ये आपका थीटा एंगल. व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड, मतलब एक्स बाय एल. तो एक्स क्या आ गया? एल साइन थीटा आ गया. तो ये जो साइड x मैंने जिसको बोल के रखा है, दिस इज l साइन थीटा, l साइन थीटा. सिमिलरली यहां पे भी वही सिनेरियो होगा. ये एंगल थीटा है तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा है. फिर इसको मैं अगर x बोलता हूं तो सेम स्टोरी रिपीट्स. साइन थीटा इज अपोजिट साइड x बाय हाइपोटेन्यूज l. तो x इक्वल टू एल साइन थीटा, तो ये भी एल साइन थीटा आ गया. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. दिस मच यू हैव टू नो. अभी तक हमने पोटेंशियल की बात ही नहीं की है. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री हियर. तो अभी पोटेंशियल की बात कर लेते हैं फिर. जस्ट अ मिनट. तो नाउ व्हाट वी वांटेड टू डू इज हमको फाइंड करना है पोटेंशियल. कहां पे? पॉइंट सी पे. तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी विल बी ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज कहां पे बैठा हुआ है? ए पॉइंट पे, राइट. प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज कहां पे बैठा हुआ है? बी पॉइंट पे. अभी देखो, बुक टू बुक नोटेशंस वेरी करते हैं. कोई बुक में ए और बी पॉइंट को पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू भी बोलेंगे, ठीक है. इट्स ओके, अपना अपना तरीका लिखने का आर्टिस्ट का. तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज एट ए, इसको मैं वी वन बोल देता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस.
मैं इसको वी ए को वी वन बोलूंगा और वी बी को वी टू बोलूंगा, जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, राइट। क्यों क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं चार्ज क्यू वन बोल रहा हूँ इसके लिए, तो दैट इज बेटर थिंग टू डू, इसको क्यू टू बोलते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज क्यू वन इज वी वन, पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज क्यू टू इज वी टू। तो वॉट इज वी वन बाई डेफिनेशन, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन बाय आर वन, राइट, विच इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू वन इज पॉजिटिव क्यू by R1. Similarly, what is V2? V2 by definition kya hai? So V2 by definition, V2 by definition is ye V2 Q2 R2 aisa aayega. V2 is 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 by distance R2, but Q2 is minus Q, so minus Q. So what is total potential at point V? V1 plus V2, right? V1 plus V2. But what is V1? 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R1 plus 1 by 4 pi epsilon 0 minus Q by R2. ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो आप यहां से 1 upon 4 pi epsilon 0 Q निकाल सकते हो common, 1 by R1 minus 1 by R2 ऐसा आपको मिलने वाला है। This is what you are going to get. So this is what you will be getting, right? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी start हुआ है। We have to do a lot of things now. So what I will do is, I'll copy paste this diagram on the next page because ये हमको लगने ही वाला है। Now ये जो हमारे पास total potential का फॉर्मूला आया था लास्ट पेज पे, दिस वन, ओके, ये फॉर्मूला अनएक्सेप्टेबल है, गलत नहीं है, सही है, बट अनएक्सेप्टेबल है। क्यों? जब दो चार्जेस है प्लस एंड माइनस, हम एक पॉइंट सी पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं। मैंने पहले ही बोल दिया कि इस पॉइंट सी का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल आर है, आर, तो मुझे पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ आर चाहिए, ना कि इन टर्म्स ऑफ आर वन एंड आर टू। सो फॉर दिस यू विल हैव टू यूज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ कोसाइंस। तो अगर आपको याद होगा, नहीं याद है तो बता देता हूँ, डजंट मैटर। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है विच इज समथिंग लाइक दिस, राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे I want to find out, let us say this is R1, या फिर X, Y, Z, जो भी होगा, X, Y, Z, this is 90 degree, तो what do you write? X square equal to Y square plus Z square, simple, ऐसे लिखते हो ना, पाइथागोरस थ्योरम, okay, but what if this angle is not 90, what if, मैं ऐसा कर देता हूँ उसको, We'll do like this. ये जो साइड था y, ये है x, ये एंगल थीटा है, ये 90 नहीं है। अब क्या करें? How to find out x? तो cosine rule, law of cosine, y square plus z square minus 2yz cos theta, ऐसा होता है वो, okay? So this is what you can do. राइट, तो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz cos थीटा, आप ऐसा लिखते हो। जो साइड फाइंड करना है वो साइड छोड़ दो, इक्वल टू जो साइड फाइंड करना है उसका स्क्वायर, x फाइंड करना है x का स्क्वायर इक्वल टू बाकी के दो साइड का स्क्वायर उसका एडिशन माइनस 2yz cos थीटा, दिस इज लॉ ऑफ कोसाइन। तो ये पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट यू शुड नो, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। नाउ इफ आई टेक, मैं काम करता हूं, मैं दो ट्राइंगल्स की बात कर लेता हूं यहाँ पे। एक ट्राइंगल है सी ए ओ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल ओवर हियर, दैट इज सी ए ओ, ये ट्राइंगल,
दिस इज अ ट्राइंगल आई एम टॉकिंग अबाउट. अब इस ट्राइंगल में सी ए ओ, ये एल है, ये आर वन है, ये आर है, ये थीटा एंगल है. तो यूजिंग दिस लॉ ऑफ कोसाइन मैं लिख सकता हूं आर वन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल कॉस थीटा लिख सकता हूं. यू कैन राइट इट डाउन क्योंकि ये रूल ही है. फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे राइट हैंड साइड पे आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे. तो आर वन स्क्वायर इज आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया वन प्लस एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्योंकि सेकेंड टर्म में आर स्क्वायर था नहीं, मैंने कॉमन निकाल लिया तो फिर डिवाइड बाय आर स्क्वायर करना पड़ेगा राइट. माइनस माइनस टू यू हैव नेगेटिव, जस्ट अ मिनट मैं इसको स्पेस ले ही लेता हूं यहाँ पे. गुड, माइनस टू एल बाय आर कॉस थीटा राइट. यहाँ पे ऊपर आर था, मैंने आर स्क्वायर कॉमन निकाला है तो नीचे एक आर एडजस्ट करना पड़ेगा राइट. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग नाउ. अगर ये जो डिस्टेंस आर है, इफ दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर, वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, व्हाट वाज एल प्लस क्यू से सेंटर का डिस्टेंस एल और सेंटर से माइनस क्यू का डिस्टेंस एल है ना. तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम ऐसा करते हैं, हमको ये डायपोल दिया है और पॉइंट सी समवेयर ओवर हियर दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है, इतना दूर है पॉइंट. मतलब नॉर्मली कंडीशन क्या है, ये आर डिस्टेंस है तो नॉर्मली हमारे पास क्या है. सो इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, मतलब एल बाय आर इज वेरी वेरी लेस देन वन, देयरफॉर एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली जीरो. नॉर्मली ये जो पॉइंट सी है जिसपे पोटेंशियल निकालना है वो बहुत दूर होता है राइट, एल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है. तो एल बाय आर वेरी वेरी लेस देन वन, मान लो एल बाय आर मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 0.001 आ गया, रफली 10^-3 आ गया. इसका और स्क्वायर करूंगा मतलब 10^-6, तो बहुत ही छोटा नंबर हो गया, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गया. तो निगलेक्ट कर दो फिर, तो यू कैन निगलेक्ट. तो एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का जो टर्म है उसको निगलेक्ट कर सकते हो. तो यू कैन निगलेक्ट दिस टर्म इन कंपैरिजन विद द अदर टर्म. तो यू कैन निगलेक्ट एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, देयरफॉर यू विल हैव आर वन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वन माइनस टू एल बाय आर कॉस थीटा, ऐसा आप कर सकते हो. अब नाउ इफ आई टेक स्क्वायर रूट, तो आर वन इक्वल टू आर वन माइनस टू एल बाय आर कॉस थीटा का स्क्वायर रूट. आर वन का स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट में सिर्फ टू कैंसल होगा, यहाँ पे टू गायब हो जाएगा, यहाँ पे रेज टू पावर हाफ आएगा. तो वही किया मैंने, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन ओवर हियर. हमें क्या चाहिए था, हमें इफ यू सी वन अपॉन आर वन चाहिए था, नॉट आर वन बट वन अपॉन आर वन, रेसिप्रोकल ऑफ आर वन. तो रेसिप्रोकल ऑफ आर वन, वन अपॉन आर वन इक्वल टू वन अपॉन आर, और ये जो आपके पास टर्म है ये यहाँ पे आ गया. अब ऐसा करते हैं, इसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं, न्यूमरेटर में भेज देते हैं. तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ऑब्वियसली ये न्यूमरेटर में जब जाएगा तो नेगेटिव होके जाएगा, है ना, नेगेटिव होके जाएगा. दिस विल बी नेगेटिव व्हेन यू आर सेंडिंग दैट टर्म इनटू न्यूमरेटर, वो नेगेटिव होके जाने वाला है. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऐसा आएगा. अब 11th में भी और 12th में भी मैंने आपको बताया है बाइनोमियल एक्सपांशन. मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल एक्सपांशन जब यूज करोगे तो ये जो टर्म है
राइट, इसके हम सिर्फ पहले दो टर्म्स देखते हैं. व्हाट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन? ए प्लस बी रेज टू एन. ओके राइट, तो ए रेज टू एन प्लस एन सी वन, ए रेज टू एन माइनस वन, बी रेज टू एन, बी रेज टू वन, फिर प्लस एन सी टू, ए रेज टू एन माइनस टू बी स्क्वेयर, सो ऑन सो फोर्थ. डिटेल में जाएंगे नहीं, जरूरत नहीं है हमको. यू डोंट वॉन्ट टू गो टू इन टू डिटेल्स, यू डोंट हैव टू गो इन टू डिटेल्स. अगर ऐसा रहा वन प्लस बी बाई ए रेज टू एन विद अ नेगेटिव साइन, तो होता क्या है कि सिर्फ पहले दो टर्म ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बाकी के जो हायर ऑर्डर के टर्म्स है वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि b by a ये लेस देन वन है ना. जब b by a लेस देन वन है तो b by a का स्क्वायर और छोटा होगा, b by a का क्यूब और छोटा होगा, b by a का पावर फोर और छोटा होगा. तो आप सिर्फ पहले दो टर्म लिखते हो और हायर ऑर्डर टर्म को आप छोड़ देते हो, और आप बोलते हो कि जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो व्हाट यू आर डूइंग इज, व्हेन यू आर डूइंग दिस, तो व्हाट यू से इज considering only first two terms, तो ये जो index में मतलब power में जो minus होता है ना उसको सिर्फ चुपचाप यहाँ पे लाके multiply कर देगा second term के साथ. तो you just bring this index and multiply with second term, ये हो गया आपका binomial expansion. तो क्या करना है? सिर्फ लिखना है using binomial expansion. आपको याद हो या आपको याद नहीं हो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है कोई नहीं पूछने वाला. सिर्फ करना क्या है, 1 by r1 equal to, नीचे को तो हम डिस्टर्ब कर नहीं रहे, ये जो टोपी है मतलब पावर है इंडेक्स है इसको उतार के यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट्स इट विथ साइन. अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो आप लिख रहे हो यहाँ पे 1 माइनस माइनस हाफ, क्योंकि ये इंडेक्स उतार के नीचे लिखा, 2l by r cos theta. तो माइनस माइनस प्लस, 2 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा 1 by r1 equal to 1 plus l by r cos theta upon r. ये आपको मिल गया 1 upon r1. कौन से ट्राइंगल से आया था? ये इतने ट्राइंगल से आया था, दिस ट्राइंगल से, a CO या CAO ट्राइंगल से आया था. अब सिमिलरली मैं दूसरा ट्राइंगल मतलब ये ट्राइंगल भी तो ले ही सकता हूं, राइट? तो व्हेन आई टेक दिस ट्राइंगल एंड अप्लाई अगेन लॉ ऑफ कोसाइन, तो इफ आई टेक दैट ट्राइंगल COB, दिस ट्राइंगल इफ आई टेक, COB, ये था R2, ये था R, ये था L, ये था 180 minus theta. तो according to law of cosine, R2 square is equal to R square plus L square minus 2RL cos of 180 minus theta. तो R2 square equal to R square plus L square minus minus plus, क्यों minus minus plus? क्योंकि cos of 180 minus theta होता है. Since cos of 180 minus theta is minus cos theta, ये मैंने जब mathematics में trigonometry का basics लिया था तब मैंने करवाया है ये. So you already know this. Therefore, R2 square, इसमें से वापस R square common निकाल लो, 1 plus L square by R square plus 2L by R cos theta. सारे के सारे steps जो हमने किए, square root लेना है, फिर L square by R square को neglect करना है, फिर रेसिप्रोकल लेना है, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है, वो सब करने के बाद आपको 1 अपॉन आर टू मिलेगा. यू विल गेट 1 अपॉन आर टू, आर टू एस, सिर्फ यहां पे माइनस, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. अब 1 अपॉन आर वन और 1 अपॉन आर टू, 1 upon R1 और 1 upon R2 की वैल्यू हम डालेंगे V के इक्वेशन में. V क्या था? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q 1 by R1 minus 1 by R2 ऐसा था. तो V equal to
q by 4 pi epsilon 0 1 by r1. What is 1 by r1? 1 plus l by r cos theta by r, 1 plus l by r cos theta by r minus 1 minus l by r cos theta by r. तो दोनों में, दोनों ही टर्म में बाय आर है, तो डिवाइड बाय आर है, तो उस डिवाइड बाय आर को कॉमन ही निकाल लेते हैं, तो ये बच जाएगा 1 प्लस एल बाय आर कॉस थीटा माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एल बाय आर कॉस थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बाय आर प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एल बाय आर कॉस थीटा, ये आपके पास आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 एल इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर, मैंने आज ही बताया क्या, अच्छा वो डिलीट कर दिया मैंने, लेकिन मैंने बताया था ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। ओके, इसको लिखने का और एक तरीका है, कैसा तरीका है राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos theta R cube और ऊपर R से multiply divide by R कर लिया, क्यों किया, क्योंकि P R cos theta याद है क्या, ऐसा AB cos theta कहीं देखा था हमने, ओ ये तो A bar dot B bar है, हाँ तो फिर ये भी तो P bar dot R bar है ना, 1 upon 4 pi epsilon 0 P bar dot R bar upon R cube, ये आ गया आपका potential। अभी कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा v बार पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, v बार नहीं लिख सकते हो, सिर्फ आप ऊपर के टर्म को इन टर्म्स ऑफ डॉट डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हो, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। देयर इज वन मोर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, और एक है वो मैं कल रिपीट करके बताऊंगा सारा, तो आज मैंने सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, ओवरऑल क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिक डायपोल है एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो मैंने आज आपको सिर्फ बताया है कि कैसे करना है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इनको ऐड करना है, फिर हमको ये इक्वेशन मिलेगा, और इस इक्वेशन में आर वन और आर टू की वैल्यू यूजिंग ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो भी है वो यूज करके आपको आर वन आर टू की वैल्यू डालनी है वहां पे, और इसके आगे पूरा मैथमेटिक्स ही कर रहे हैं, फिजिक्स नहीं कर रहे हम लोग, इसके आगे हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो यूजिंग ऑल द रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स सब्स्टिट्यूटिंग एवरीथिंग दैट वी वांट, हम लोगों ने ये डिराइव कर ही लिया। ओके, तो इन द नेक्स्ट सेशन मैं पूरा वापस करवा के स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखने वाले हैं इस चीज को, राइट, सो डोंट वरी, टुमारो आई विल रिपीट दिस अगेन, सो विल स्टॉप हियर फॉर नाउ।